सुबह सुबह प्लूटो खेलने के मूड में होता है। मेरे हाथ में बॉल देखते ही देखो कैसे करता है, मैं इसको बॉल देता नहीं हूँ तो जबरदस्ती लेकर भाग जाता है। और जुपिटर बाद में सूंघता है कि प्लूटो क्या लेकर भाग गया है। सुबह सुबह बहुत सारे बंदर घर आ जाते हैं, देखो क्या उछल कूद चल रही है। तो प्लूटो सभी को भगा कर आता है, फिर भी बंदर जाते नहीं है। फिर तब मैं खाना खाता हूँ तो एक बंदर रसोई के पास आ जाता है, तो मैं इसको अपनी रोटी डाल देता हूँ। तो फिर सभी बंदर आकर परेशान करने लगते हैं, वो रसोई से सारी रोटियां चुरा कर ले जाते हैं। आज तक ये समझ नहीं आया कि आखिर कौन सा खुफिया गेम खेलते रहते हैं। शाम हो चुकी है और सूरज देवता टाटा बाय बाय बोल रहे हैं। शाम को प्रिंसेस बेचारी इस हालत में किचन के बाहर दुल्हन बनकर बैठी होती है क्योंकि खाना भी बन रहा है। दोपहर को बंदर लेकर भाग गए थे सारा खाना, तो फिर इनको खाना देकर महारानी प्लूटो जी को भी देता हूँ। फिर नीचे सभी को खिलाकर आता हूँ। आज इनको ठंड लग रही है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, तो मम्मी एक मिनट में इनके जादूगर वाले कपड़े तैयार करके इनको पैक कर देती है। ये तो जादूगर बनकर गायब हो जाते हैं और अपने बिस्तर में जाकर प्रकट हो जाते हैं। फिर मैं और प्लूटो बाहर घूमने जाते हैं, तो फिर ब्लूटूथ से भी मिलने जाता हूँ। ब्लूटूथ तो गहरी नींद में सो रहा होता है, तो इसको बिना डिस्टर्ब करे घर आ जाते हैं।